हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो कि निलंबित किया गया था उसको भंग कर दिया गया है, उसकी कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी अधीनस्थ चयन आयोग के निलंबन के करीब 2 माह बाद आज भंग कर दिया है। हमीरपुर कर्मचारी अधीनस्थ चयन आयोग की सभी तरह की भर्ती प्रक्रिया अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग देखेगा। हमीरपुर कर्मचारी अधीनस्थ चयन आयोग में JOIT पेपर लीक के बाद ये फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 3 साल से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में भर्तियों में भारी धांधली हुई और लाखों में पेपर लीक करके बेचे गए, जिसकी जांच करने के बाद ये निकलकर सामने आया है कि हमीरपुर चयन आयोग में भर्तियों में भारी गड़बड़ियां हुई। यहां तक कि जो पेपर हुए हैं, जिनके परिणाम आने हैं, उनके पेपर भी लीक हुए। अभी मामले की जांच चल रही है और जो भी कर्मचारी इसमें संलिप्त है उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग JOIT पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिसंबर माह के अंत में राज्य की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कामकाज को निलंबित कर दिया था। साथ ही में आयोग में सभी चल रही और लंबित भर्तियों को अगले आदेश तक रोक दिया गया था। अब हमीरपुर कर्मचारी अधीनस्थ चयन आयोग को भंग कर दिया गया है। 8 लोगों के खिलाफ आज चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी और इंक्वायरी टीम ने तथ्यों को पाया, इस आधार पर आज जब सुबह फाइल मेरे पास आई उस पर हमने ये फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो कि निलंबित किया गया था उसको भंग कर दिया गया है, उसकी कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है। और जब तक उसमें जो एग्जामिनेशन हुए जिनके परिणाम नहीं निकले हैं और जिनके परिणाम निकले हैं जो भी और भविष्य में एग्जामिनेशन होने हैं, कईयों को रोल नंबर चले गए हैं और जिनका रिजल्ट निकल गया है, उन सारे मामलों को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो यहाँ HS का टेस्ट लेता है उसमें स्थानांतरित तुरंत प्रभाव से कर दिया गया है। यानी कि जिनके रिजल्ट निकल गए हैं उसके आगे के डॉक्यूमेंटेशन जो चेक होने हैं वो अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा और जिनके जो अगले एग्जाम्स होने हैं उनको भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि वहाँ कोई अल्टरनेट के रूप में या टेस्टिंग एजेंसी के रूप में, जो हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अध्ययन कर रहे हैं जो नेशनल लेवल पर रिक्रूटमेंट करती है, उनके सभी पहलुओं की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं जब तक कि उसका गठन नहीं किया जा सकता है। जो भी उस कर्मचारी हमारे हमीरपुर में कार्यरत थे उनको सबको सरप्लस रूट में डाल दिया गया है, सरप्लस पूल में डाल दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप अपनी किस विभाग में दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं उसकी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश सरकार में वो लिख कर देंगे। मेरा यह मानना है जब किसी संस्था पर उंगली उठती है और इंक्वायरी के बाद ये पाया जाता है कि इस संस्था पर उंगली उठी है और पेपर बिके हैं, उस संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है। और इस प्रकार जब तथ्य पूरे हमें मालूम हुए और पूरे तथ्यों के आधार पर आज ही हमने हिमाचल प्रदेश पब्लिक जो हमीरपुर में चयन आयोग है उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये पाया कि यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक लोग शामिल थे और इस दृष्टिकोण से हमें ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है। और हम हिमाचल के जितने युवा हैं, हमने पहले भी कहा है
कि अब आपकी परीक्षाएं जो अभी जब तक जो जिनके रोल नंबर चले गए हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा, और जिनके रिजल्ट निकल गए हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जो चेकिंग है वो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाएगी, और जो आगे इंटरव्यू होने हैं उन इंटरव्यूओं को भी जब तक कि नई एजेंसी नहीं आ जाती हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही लेगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो गई है और दूसरी इंक्वायरी भी टाइम बाउंड मैनर्स में आ गई है। जो भी लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, कुछ को अरेस्ट कर लिया गया है, और उसके बाद हमने ये पाया कि हमें क्या फैसला करना है, युवाओं के साथ धोखा ना हो। जो भी चयन नियोग होता है जिसमें युवा हमारे नौकरी के लिए बैठते, सरकारी नौकरी के लिए बैठते हैं, गरीब माँ बाप के बेटे का एक इच्छा होती है कि वो सरकारी नौकरी लगे, जब उसके मन में ये भावना आती है कि मेरे पढ़ने लिखने के बावजूद भी, मेरिटोरियस होने के बावजूद भी चयन आयोग से पेपर लीक होते थे, पेपर बिकते थे, ये सारी रिपोर्ट आने के बाद हमने इस कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला किया है। इसका अस्तित्व अब नहीं रहेगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ उनके खिलाफ इंक्वायरी के, आज ही हमने जो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास एक फाइल आती है उसके भी ऑर्डर कर दिए गए। में कुछ एक कर्मचारियों का हमने वेरिफिकेशन चल रही है, नेक्स्ट लिस्ट में जो अगर बाय चांस कोई नौकरी लग गया है उस दृष्टिकोण से अगला फैसला किया जाएगा। अभी जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें तो हमें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारे प्रदेश में काफी रोजगार के अवसर निकल रहे हैं, कई विभागों की नौकरियां निकल रही है, उस दृष्टिकोण से हमने सोचा कि अभी तो पहले इस कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया जाए। युवा साथी इस भ्रमजाल में रहे कि हमारे आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे वो किसके, कौन करवाएगा, कैसे न करवाएगा, पहले तो इस दृष्टिकोण से कार्य किया जा रहा है। और कई चीजें सामने आई है जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो इंक्वायरी का मैटर है, और हमने एक्शन लेने के लिए जो हमारे विजिलेंस के अधिकारी है उनको कह दिया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।